आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आशा करती हूं कि 2020 आप सबके लिए बहुत सारे खुशियां और स्पेशली स्वास्थ्य लेकर आए। नमस्कार, मैं वेद्या राजेश कौर आयुर्वेदा फ्री हेल्थ इंश्योरेंस चैनल में आप सबका स्वागत करती हूं। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल टॉपिक के बारे में बात करेंगे। इसमें मुझे बहुत समय लग गया कि कैसे ये विषय मैं आपके सामने लाऊं कि आप सब लोग इसको समझ भी सकें और इसे लाभान्वित हो सकें। एनीवे, हम सभी जानते हैं कि संसार में कोई भी दो मनुष्य एक जैसे नहीं है। इवन ट्विंस भी किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न होते हैं, फिर भी वन फिट्स ऑल, यानी कि एक ही पैरामीटर सबके लिए एक जैसे होंगे ऐसा हम पर थोप दिया जाता है। समझ लीजिए जैसे एक ही लकड़ी से हम सबको हांका जा रहा है। पर हमने कभी ये जानने की कोशिश की कि ये कितना सही है? जहां तक मैं समझती हूं हम में से लगभग लोगों का आंसर नहीं ही होगा, बट कोई बात नहीं, आज हम इसी जो विषय है इसी के बारे में बात करेंगे। आयुर्वेद जो कि 5000 वर्ष से भी ज्यादा पुराना है, आयुर्वेद का बेसिक और फंडामेंटल कंसेप्ट जो है वो इंडिविजुअलिटी है। आयुर्वेद जो है वो व्यक्तित्व विशेष को बहुत महत्व देता है और इसी इंडिविजुअलिटी को आयुर्वेद में प्रकृति कहा गया है। प्रकृति जो है वो दो शब्दों से बना है, प्र और कृति। प्र यानी प्राइमरी, प्राथमिक, एंड कृति निर्माण, क्रिएशन, यानी कि प्राथमिक निर्माण। तो प्राथमिक निर्माण से हम लाइक गर्भाधान जब हुआ है उसमें गर्भ का अवतरण है, या जब फिटस बना है तभी जो है ये प्रकृति या इंडिविजुअलिटी हमारी डिसाइड हो जाती है। चूंकि प्रकृति गर्भ काल में ही बन जाती है तो जो गर्भ शरीर होता है वो आर्तव और शुक्र की प्रकृति की, काल और गर्भाशय प्रकृति की, माता के आहार विहार के प्रकृति की, महाभूत विकार प्रकृति की, इनकी अपेक्षा रखता है, यानी इनसे प्रभावित होता है। तो ऐसे 6 फैक्टर्स हैं जो कि गर्भ शरीर की प्रकृति को प्रभावित करते हैं। बट ये बिल्कुल एक अलग विषय है जिसकी हम कभी जब बाद में गर्भाधान या कंसेप्शन के बारे में चर्चा करेंगे तब हम इसकी चर्चा करेंगे। बट चूंकि आज हमारा जो विषय है वो प्रकृति है, आयुर्वेद प्रकृति को इंडिविजुअल बायोलॉजिकल फंक्शंस का एक बहुत ही स्पेशलाइज सिस्टम मानता है। सिंपल शब्दों में प्रत्येक प्राणी अपनी इंडिविजुअल नेचर, अपनी बेसिक नेचर, अपनी बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के साथ पैदा होता है। इसीलिए हर व्यक्ति की लाइफ स्टाइल, उसकी डाइटरी हैबिट्स जो है वो एक समान नहीं हो सकती है। चूंकि प्रकृति एट बर्थ या जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है और प्रकृति कभी भी चेंज नहीं होती है। हमारी प्रकृति जब जन्म के समय निर्धारण हुई है वही हमेशा रहती है, हमारी प्रकृति कभी भी बदलती नहीं है। बट फिर भी जो हमारी प्रकृति है वो भिन्न भिन्न जो भी एक्सटर्नल, इंटरनल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जैसे हमारी एज है, सीजनल चेंजेज हैं, दिन रात होते हैं, हमारी लाइफ स्टाइल है, डाइटरी हैबिट्स हैं, और भी अदर फैक्टर्स हैं, उनसे जो है प्रभावित होती है, इन्फ्लुएंस होती है, बट कभी भी चेंज नहीं होती है। तो सार रूप में हम कह सकते हैं कि जो हमारा इंडिविजुअल नेचर है, हमारा बेसिक नेचर है, जो हमारा बेसिक बॉडी टाइप है वही हमारे लिए स्वास्थ्य है और उसी को हमें मेंटेन रखना होता है। दूसरे शब्दों में आचार्य ने जो हमारा बेसिक नेचर प्रकृति है जो हमारे लिए स्वास्थ्य है उसको धातु साम्य भी कहा है। आचार्य ने कहा है दोष प्रकृति ही भूता शरीर उपकार कहा भवन्ति। यदि हमारे दोष जो हमारा बेसिक नेचर है, हम अपने बेसिक स्वरूप में रहते हैं दोष, तो हमारे शरीर के लिए उपकारक होते हैं और हमें स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। अब आप सभी के दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि इस प्रकृति को जानने से क्या होगा, इसकी हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आप अपने स्वयं के बॉडी टाइप को, अपने बेसिक नेचर को जान करके अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट को बहुत अच्छे से जान सकते हैं। आप अपनी प्रकृति को जान के अपनी लाइफ स्टाइल प्लान कर सकते हैं। आप अपनी प्रकृति को जान करके अपने पर्सनल लाइफ में जो रिलेशनशिप्स हैं उनको आप बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। प्रोफेशनल लाइफ में आप गुड और बैलेंस जो रिलेशंस हैं उनको मेंटेन कर सकते हैं। अपनी प्रकृति को जान के आप अपनी जो एक बैलेंस्ड डाइट है उसको आप स्वयं प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप अपनी प्रकृति को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं तो आप ये समझने में आपके लिए इजी हो जाएगा कि कैसे इम्बैलेंस होता है, कैसे हमारी बॉडी बीमार पड़ती है, कैसे हमें डिसईज होता है, क्यों हम उसको विकृति को हम जो है वो समझ पाएंगे।
प्रकृति को समझने के साथ ही विकृति को जानना भी बहुत जरूरी है। जैसा कि आचार्य ने प्रकृति को धातु साम्य स्वास्थ्य कहा है, वैसे ही धातु वैषम्य को आचार्य ने विकृति या डिजीज कहा है। विकृतिम आपन्नास्तु खलु नाना विधेर विकारे शरीरम उपताप्यन्ति। यदि विकार हो जाता है तो हमारा ये जो दोष डिसबैलेंस हो जाते हैं, ये हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार की विकृतियों से उपताप पहुंचाते हैं। सीधे शब्दों में समझ लें कि जो दोषों का रेशियो हमारे लिए स्वास्थ्य है, जिस रेशियो में हम अपने आप को स्वस्थ फील करते हैं, जो लक्षण जैसे हमारे स्वर और वर्ण सब ठीक है, शरीर में किसी प्रकार की वेदना हम नहीं फील कर रहे हैं, समय पे भूख लगती है, समय पे खाना पचता है, भोजन में हमारी रुचि बनी हुई है, नींद अच्छे से आती है, स्वप्न नहीं आते हैं, जो भी मलमूत्र हैं उनका विसर्जन बिना कष्ट के आराम से होता है, हमारे मन बुद्धि और इंद्रियां प्रसन्न हैं, मतलब जिसको भी हम अपने लिए स्वास्थ्य जिस रेशियो में हम कहते हैं वही धातु साम्य है। और जब भी इनमें से किन्हीं भी लक्षणों में गड़बड़ी होती है तो जो दोषों का जो बेसिक रेशियो है जो हमारे लिए स्वास्थ्य है वो गड़बड़ा जाता है और उसको हम धातु विकृति या फिर धातु वैषम्य या फिर रोग या बीमारी कह देते हैं। प्रकृति के आगे चर्चा में आचार्य ने बताया है कि प्रकृति दो प्रकार की है, देहज दोषज या शारीरिक प्रकृति और दूसरी मानसिक प्रकृति या मानस प्रकृति। ऐसा आचार्य ने इसलिए बताया क्योंकि हमारा शरीर और जो मन है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। आचार्य ने बताया भी है, शरीरम ही अपि सत्वम अनुविधीयते सत्वम च शरीरम। जो शरीर है वो हमारे मन का अनुकरण करता है और जो मन है वो हमारे शरीर के अनुरूप काम करता है। तो इसीलिए चूंकि इंटरकनेक्टेड है, आचार्य ने दोनों प्रकार की प्रकृति का वर्णन किया है। अब जो शारीरिक या दोषज प्रकृति बताई है आचार्य ने, वो 7 प्रकार की बताई है और वो जो हमारे 3 दोष हैं वात पित्त और कफ, उनके उनसे शारीरिक प्रकृति बनती है। अब एक बात हमें यहाँ समझनी होगी कि कोई भी मनुष्य एक प्रकृति जो हम बोलते हैं कि सिंगल प्रकृति है, उसका मतलब ये नहीं है कि उसमें सिर्फ एक दोष है। हमारा जो शरीर है वो हमेशा त्रिदोषज होता है, लेकिन जो हम प्रकृति का विभाजन करते हैं, 7 प्रकार की जो हम प्रकृति बताते हैं, तो एक दोष के गुणों की अधिकता अगर होती है, उनकी प्रधानता होती है, तब तो हम उसे एक दोषज प्रकृति कहते हैं। तो इसी प्रकार से जो तीनों दोष हैं वात पित्त और कफ दोष, अगर इनमें से वात दोष के गुणों की अधिक प्रधानता किसी मनुष्य में मिलती है तो हम उसे कह देते हैं वातल प्रकृति वाले मनुष्य हैं। अब इसका मतलब ये है कि तीनों दोष उनमें है लेकिन जो वात गुण है उनका आधिक्य उसमें है, इसीलिए उसे वातल प्रकृति वाला कहा गया है। इसी प्रकार यदि पित्त दोष की अधिकता होती है तो उसे पित्तज प्रकृति वाला, और कफ दोष की अधिकता है तो उसे कफज प्रकृति वाला मनुष्य कहा गया है। इसी प्रकार द्वंद्वज प्रकृति, जो कि दो दोषों के गुणों के आधिक्य से बनती है, किसी में मान लो वात और पित्त जो दोष है उनके गुणों का आधिक्य है तो वात पित्त प्रकृति वाले होते हैं। इसी प्रकार से पित्त और कफ दोषों की अधिकता से पित्त और कफज प्रकृति बनती है, कफ और वात गुण के दोषों की अधिकता से द्वंद्वज कफ और वातज प्रकृति बनती है। अब एक बात यहां पर और एक ध्यान देने वाली है, जो हमारी सात्विक प्रकृति है उसे समदोषज प्रकृति कहा गया है। बहुत से लोग इससे ये अर्थ निकालते हैं कि समदोषज प्रकृति का मतलब है वात पित्त और कफ तीनों दोष समान रेशियो में, नहीं, ऐसा नहीं है। समदोषज प्रकृति को आचार्य ने इस तरह से बताया है कि जो तीनों हमारे वात पित्त और कफ दोष के गुण है उनमें जो श्रेष्ठ गुण है, उन तीनों दोषों के श्रेष्ठ गुण का साम्य जब होता है, जिस व्यक्ति में ये मिलता है वो समदोषज प्रकृति होता है। समदोषज प्रकृति बहुत रेयर होती है। समदोषज प्रकृति को आचार्य ने श्रेष्ठ बताया है। समदोषज प्रकृति वाले हमेशा स्वस्थ रहते हैं क्योंकि उनमें तीनों दोषों के जो श्रेष्ठ गुण हैं वो विद्यमान रहते हैं। इसके अलावा आचार्य ने जो एकल प्रकृति है, एक दोषज प्रकृति है, उनको सदा आतुर भी कहा है। आचार्य ने ऐसा इसलिए कहा है कि एक दोषज प्रकृति वाले जो होते हैं उनमें चूंकि एक दोष की अधिक बहुलता होती है, तो जैसे ही थोड़ी भी गड़बड़ी होती है उस दोष में या फिर हमारे लाइफ स्टाइल में थोड़ी बड़ी जो भी गड़बड़ी होती है तो तुरंत उसको हमेशा अनईज लगता है इसीलिए। बट इसका ये मतलब नहीं है कोई प्रकृति किसी और प्रकृति से श्रेष्ठ है। आपके शरीर में आपके जन्म के निर्धारण के समय जिन दोषों का रेशियो आपके लिए आपका स्वास्थ्य है वही आपकी प्रकृति है, वही बेस्ट है। जब आप इसको जान जाएंगे तब आपको पता है कि मुझे क्या गड़बड़ी नहीं करनी है, कैसे मुझे अपने दोषों को बैलेंस रखना है, और आप हमेशा अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। अब इसी तरह से आचार्य ने मानसज प्रकृति, 16 प्रकार की मानस प्रकृति बताई है।
जो आप सभी जानते हैं कि तीन मानस गुण जो हैं वो बताए गए हैं, सत्व गुण, रज्जु गुण और तमो गुण। तो यहाँ पे जो सत्व गुण की अधिकता से प्रकृति बनती है वो सात प्रकार की प्रकृति आचार्य ने बताई है, इसी प्रकार रजोगुण से छह प्रकार की प्रकृति और तामसिक गुण से तीन जो प्रकृति है उनका वर्णन आचार्य ने किया है। इनका हम विस्तार से आगे के जो वीडियो बनाएंगे उनमें हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। अब जिस तरह से आचार्य ने प्रकृति को विभाजित किया उसी तरह से विकृति भी इन्हीं के अनुसार हम दो प्रकार की मान सकते हैं, एक शारीरिक विकृति और दूसरी मानसिक विकृति। शारीरिक विकृति चूंकि दोष है वात पित्त और कफ दोषों के इम्बैलेंस के कारण होती है, शरीर में पीड़ा उत्पन्न करती है, ज्वर है, रक्त पित्त है, राजयक्ष्मा है, अर्श है, कुष्ठ है, जितने भी शारीरिक रोग हैं ये सभी जो है शारीरिक विकृति के अंतर्गत आते हैं। अब मानसिक विकृति की अगर हम बात करते हैं तो चूंकि यहाँ पर सत्व गुण जो बताया है उसको दोषों की कैटेगरी में नहीं लिया गया है, इसीलिए सत्व गुण किसी प्रकार की विकृति पैदा नहीं करता है, रजो और तम गुण के कारण ही विकृति पैदा होती है। तो दो ही प्रकार की विकृति यहाँ पर होती है, रजो गुण और तमो गुण की वजह से जो मानसिक विकृति होती है, क्रोध है, रोष है, डिस्ट्रेस है, डिप्रेशन है, ये सारे जो है मानसिक विकृति में आते हैं। इस जानकारी के माध्यम से हम सबको अभी ये क्लियर हुआ है कि अपने स्वयं के बेसिक नेचर, हमारी प्रकृति या बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन को जान करके हम प्रोएक्टिव हो सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को लेके हम प्रोएक्टिव हो सकते हैं। वी कैन प्रिजर्व आवर हेल्थ, वी कैन टेक चार्ज अवर ओन हेल्थ एंड वेलबींग, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अल्टीमेटली हेल्थ इज ऑल अबाउट बैलेंस एंड हार्मनी। नेक्स्ट वीडियो में हम जो प्रकृति के भेद बताए हैं उनकी दोषज प्रकृति के शारीरिक और मानसिक लक्षणों की अलग अलग भेद से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, बी हेल्दी एंड हैप्पी।